से हमारी कुल देवी की पूजा नहीं हुई है, इसलिए मैंने घर में पूजा रखी है। और मही, इस पूजा में तुम्हें बैठना है खानदानी गहने पहनकर। इतने सारे गहने पहनने हैं मुझे? इतने वजनदार गहने मही कैसे पहनेगी? लगभग 100 किलो वजन होगा इन गहनों का। ओके चंपक भाई, जी हाँ मैं आ जाऊं। अरे ससुरी, बहुत ही वजन है, हाथ दुखने लगा है। अरे एक ही झटके में उठा लिया। अरे गांव की लड़की हूँ पौना भाई, देसी घी और देसी खाना खाकर बड़ी हुई हूँ। थोड़ा बाहर से नाजुक नाजुक लगती हो, लेकिन अंदर से एकदम मजबूत हो मजबूत। कहाँ ससुमा? आपको पता है ससुमा, गांव की औरतें कितनी शक्तिशाली होती है आपको पता है? अरे हाँ, तो ऐसे एकदम ऐसे 5-5 घड़े लेकर 7-7 किलोमीटर तक चलकर ससुमा चलकर जाती है और दूर गांव से पानी भर कर लेकर आती है। ऐसे 3 सर पर और एक इधर और एक इधर। बोलो मही, गांव की औरत शक्तिशाली होती है और तुम्हें शक्तिशाली होने का बहुत अभिमान है ना? चलो देखती हूँ। मही सागर बेटा, एक बात बतानी है। कई सालों से हमारी कुल देवी की पूजा नहीं हुई है, इसलिए मैंने घर में पूजा रखी है। क्या है ना मही, ये हमारी खानदान की परंपरा है जो कई सालों से पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा इस साल पूरी कर लेते हैं। और मही, इस पूजा में तुम्हें बैठना है खानदानी गहने पहनकर। मैं? चल से पड़ी क्यों बापू, चल से पड़ी क्यों? अब देखती हूँ गांव की औरत ज्यादा शक्तिशाली है या शहर की। खानदानी गहने पूजा में पहनूंगी, चरण चरण। तूने पूजा में रहने के लिए हाँ कह दिया? तो क्या ना कहती, वो भी पूजा के लिए? ना बाबा ना, ये तो देवी माँ का अपमान कहलाता। अरे लेकिन पूजा में तेरा कच्चा घान होगा। लाओ आराम से। इधर रख दो। ससुमा इसमें क्या है? फांसी का फंदा। इसमें खानदानी गहने। खानदानी गहने सुतमे पण। हाँ तो अभी मैंने वही तो कहा कि खानदानी गहने हैं। बराबर। हाँ तो ये गहने पहनकर तुम्हें पूजा में बैठना है। कौन? खोलो। वाओ मॉम, इतने वजनदार गहने मही कैसे पहनेगी? लगभग 100 किलो वजन होगा इन गहनों का। और मैं तो 50 किलो की हूँ ससुमा, मतलब ऊपर नीचे होगा थोड़ा। लेकिन अभी तुमने कहा था ना बाहर के गांव की औरतें एकदम शक्तिशाली होती है, कमर में 2 घड़े सिर के ऊपर भी 3 घड़े लेकर वो 7-7 किलोमीटर तक पानी के लिए चल के जा सकती है। तुम भी गांव से ही हो ना, तो तुम इतने से गहने नहीं पहन पाओगी। ये हमारी परंपरा है, ये सारे गहने पहनकर ही तुम्हें पूजा में बैठना पड़ेगा, वरना देवी का प्रकोप हो सकता है और अगर देवी नाराज हो गई तो घर में अनर्थ भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। ओके, तो ये सारे गहने तुम्हें पहनने पड़ेंगे। सच कह रही है ये। हाँ, जब अनसुया से ये पूजा करवाई थी तो हमारे बुजुर्ग ने उसे यही कहा था, और गहने पहन के वो आई भी थी, 2 कदम चली भी थी और फिर बेहोश हो गई। सारे गांव वाले हंसे थे उस पे। मही, क्या सोच रही हो? सासू माँ ने घर में पूजा रखी है और वो चाहती है कि पूजा में मैं बैठूं,
तो बस उनकी खुशी के लिए मैं ये गहने जरूर पहनूंगी। अरे वाह चित्रगुप्त जी, आप व्यायाम कर रहे हो? क्या हुआ, कल शयन करते हुए हमारी पीठ में वेदना हो गई तो उसे मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है शैया की रुई भारी हो गई, उसे हल्का करना पड़ेगा। अच्छा तो ये शैया की रुई हल्का करने के लिए आप क्या करोगे, शैया पे कूदोगे? हाँ हम बेबली की दादी सास, हाँ। कि आपको हम कपी दिखाई दे रहे हैं। बंदर? हाँ नाना होई का है? अभी दिखाता हूँ। मेरे लिए कुछ? अब देखना बेबली की दादी सास, ये शैया एकदम हल्की हो जाएगी, हवा में उड़ने लगेगी। देखिए अरे अच्छा है पाउडर। अरे लेकिन तूने तेरे हाथ अंदर क्यों डाले? दादी सास वो मैंने जरा सोचा कि खानदानी कंगन पहनकर देखती हूँ तो मैं बाहर निकालने गई तो मैं उठा ही नहीं पाई कंगन को, फिर मैंने सोचा कि मैं अंदर हाथ डालकर ही पहन लेती हूँ, तो अब तो मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे, बहुत भारी है पापा। अच्छा बाबा शांति रह, कभी तू शांति रह, ये देख चित्रगुप्त जी से मैं क्या लाई हूँ। कोई भी चीज का वजन कम करने वाला जादुई पाउडर है ये। अच्छा अभी हट जा बाजू। हाँ अब हाथ को उठा उठा उठा। ये सारे गहने पहनकर पूजा कर सकूंगी और सासू माँ भी कितनी खुश हो जाएंगी ना मुझे इन गहनों में देखकर। देखते हैं। अब पंडित जी सब सामान ठीक है? हाँ सामान तो सब ठीक है, पर पूजा में जिसको बैठना है उसको तो बुलाइए। मही मही जल्दी आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। ए अभी अरे फोटोग्राफर जैसे मही आती है तो तुरंत फोटो खींच लेना। हाँ तुरंत। ओके मैडम। इस 50 किलो की वेरा खड़ी ने इतने वजनदार गहने कैसे पहन लिए? इन गहनों को तो मैं भी नहीं संभाल पाई थी, लगता है शायद इसने मेरे गहने बदल दिए हैं। अंसुया मेहता देखना पड़ेगा।
मैडम प्लीज आप मही मैडम को कवर कर रही हैं, थोड़ा सा साइड पे आ जाइए। मॉम, मही कितनी सुंदर लग रही है ना, मन कर रहा है आज फिर से मही से शादी कर लूं। अनसुईया देवी, मही तो इन गहनों में साक्षात देवी लग रही है। मही बेटा, विधि की सब तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ पंडित जी, सब चकाचक तैयार है। ये लोग मही की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। आप हेलो पंडित जी, एक मिनट, आपके गुरुजी का फोन है। हाँ गुरुजी, बस अभी पूजा शुरू ही हो जाएगी। क्या? अच्छा नहीं नहीं, पूजा अभी तक शुरू नहीं हुई है। ओके बता देती हूँ। पंडित जी, गुरुजी ने अभी कहा कि ग्रहों की दशा बदल गई है, इसलिए अब पूजा में घर की बहू नहीं बैठ सकती। मॉम क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा है कि घर का कोई बड़ा पूजा में बैठ सकता है। घर का बड़ा? मैं हूँ ना घर में सबसे बड़ी। ठीक है, आप तैयार होके आ जाइए, तब तक पूजा का दूसरा मुहूर्त शुरू होने वाला है। भगवान, ये गहने तो हल्के हो गए, इसे कैसे छुपाऊं? हे भगवान, दादी सास जल्दी से आइए प्लीज। ओ माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तो मैं ठहरी अम्बे माँ की भक्त दादी सास, अब कितना झूठ बोलकर मैं सासू माँ को गहनों से दूर रखूंगी। अच्छा चलो बाजू उठो, देर हो रही है। भगवान, दादी सास जल्दी से आइए प्लीज। ओ माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तो मैं ठहरी अम्बे माँ की भक्त दादी सास, अब कितना झूठ बोलकर मैं सासू माँ को गहनों से दूर रखूंगी। अच्छा चलो बाजू उठो, देर हो रही है। जल्दी मही, चित्रगुप्त जी थोड़ी दया माया कीजिए, वो पाउडर का कुछ उपाय दीजिए। ठीक है बेबली की दादी सास, आपका गुजराती आहार तो हमने काफी खाया है, स्वादिष्ट भी है। नहीं, नहीं। लेकिन हमें एक बात बताइए कि आपके गुजराती में कोई ऐसी चीज है जिससे हमारा मनोरंजन हो सके? अगर कुछ ऐसा हो तो बताइए, हम आपको उपाय देंगे। आठवां क्रमांक 819 पृथ्वीलोक चले जाइए। क्या शुरू हो गया चानी चचा पचा चचा चचा। क्या हुआ मही, क्यों चिल्लाई? साड़ी साड़ी ऐसे पाटली बराबर नहीं, मैं करती हूँ ससुमा, मैं करती हूँ बराबर। रुको, मैं नीचे से ठीक तरह से करो। हो गया, हटो, हो गया, हो गया। ससुमा सॉरी, वो जोर से आ गया थोड़ा। मैं ये पूछ रही थी ससुमा, आपको आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने मतलब मही ने इतने भारी भरखम गहने कैसे पहन लिए, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया? वैसे आया तो था, अगर तुम बताना चाहो तो बताओ, वरना मुझे तो कुछ। बताती हूँ, वो हुआ यूँ था ससुमा की। फास्ट बोलो, सुन सुन, होता ये क्या है, मैं हूँ गांव से, बराबर ना? तो हमारे गांव में ऐसे सिखाया जाता है, जब हम छोटे छोटे थे ना तब से सिखाया जाता है, हम कैसे भारी भरखम गहने कैसे पहने जाते हैं, इन्हें पहनकर काम कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हमें सिखाते हैं ससुमा। तो जैसे छोटे छोटे थे तब से सिखाया है हमें। और आपको पता है ससुमा, इसकी एक अलग रीत भी होती है पहनने की। अच्छा क्या रीत होती है?
आपको? बताना है तो बताओ, वरना मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि ये गहने कैसे पहने जाते हैं। मेरी सासू माँ ने पहली बार मुझे गहने पहनने के लिए दिए थे। तो मैं ये गहने पहनकर गिर गई थी। देखो तो सही, गांव की ये गहने पहनने की रीत कैसी होती है। आखिर महीने भी तो कितने आराम से ही गहने पहने थे। दिखा रही थी ना? ये बैठे। हाँ। सबसे पहले आपको मैं कंगन, कंगन कैसे पहने जाते हैं उसकी रीत बताती हूँ। बारी है। सबसे पहले देखो ऐसे हाथ डालने का, धीरे धीरे प्यार से, हाँ प्यार से, प्यार से हल्के हल्के से ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ, धीरे धीरे उसको ऐसे नीचे उतारो। ऐसे बातें करने की, हाँ इसके साथ कंगन भाई कैसे हो। Oh, really? ये रीत है देखो। Oh. अच्छे से भारी जरा रुको, मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है। बेबली ये देख, ये गहने फिर से जैसे थे वैसे बन जाएंगे, उसके लिए मैं दूसरा जादुई पाउडर लेकर आई हूँ। छिड़की चश्मा, अब आप मस्त तैयार हो जाना ये पहन के सब। बट बाकी का तो कुछ दिखाया नहीं कि कैसे पहन। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है मेरे लिए, मैं पहन लूंगी। गो डन। आई गोइंग। गहने, गहने तो सब असली है जो मैंने पहने थे, और ये गहने पहनकर मही की बहुत तारीफ हो रही थी ना कि बहुत खूबसूरत लग रही है मही। अब मुझे देखना, मैं तो उससे भी सुंदर लगूंगी। वाओ, मेरी कितनी तारीफ होगी क्योंकि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। दादी सास, मुझे तो सासू माँ की बहुत दया आ रही है, वो बेचारी इतने भारी गहने कैसे पहनेगी। अरे क्या कर सकते, तूने सुना नहीं पंडित जी ने कहा ना कि ग्रहों के फेरफार की वजह से घर का कोई बड़ा ही गहने पहन के पूजा में बैठ सकता है, तो तू और मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन दादी सास, अपने चित्रगुप्त काका को मनाया कैसे। अरे वही अपना पुराना चरर चरर मार चकडोर चारे चरर चरर। हाँ। क्या करे सासू माँ, थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, पूजा में तो बैठना पड़ेगा ना आपको। गुरुजी ने फोन करके कहा था ना कि पूजा में घर का कोई बड़ा ही बैठ सकता है। हाँ। आप नहीं बैठ सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हार पहनकर बैठने में। अरे मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा। मही मॉम अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं। अब मही चलो देखते हैं। पना आओ। सासुमा, थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, पूजा में तो बैठना पड़ेगा ना आपको। और गुरुजी ने फोन करके कहा था ना कि पूजा में घर का कोई बड़ा ही बैठ सकता है। हाँ। आप नहीं बैठ सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हार पहनकर बैठने में। अरे वो सब झूठ था, झूठ।
दरअसल मुझे शक हो गया था कि इतने भारी गहने जो मैं पहन नहीं पाई थी और जो पहन के मैं गिर गई थी, वो इस वेरा खड़ी ने कैसे पहन लिए। और ये वेरा खड़ी कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी मेरे गहने पहनकर, इसलिए मुझे जलन हुई। तो मैंने सोचा कि मैं ये झूठ बोल दूं ताकि ये गहने पहनकर मैं उससे भी ज्यादा सुंदर दिखूं, लेकिन ये तो बहुत भारी है। यार ससुमा अभी सच बताओ ससुमा, अरे बिना गहनों के भी आप मुझसे 10 गुना ज्यादा सुंदर दिखती है, एकदम बटरफल। अरे ये गहने वहने इन सब की आपको कोई जरूरत नहीं, बिना गहनों के तो आप एकदम आउटडेटेड लगती हो ससुमा। आउटडेटेड ससुमा? नहीं, इट्स नॉट आउटडेटेड, इट्स आउट। तुम्हारी वजह से मैं मेरा अंग्रेजी भूल रही हूँ, अपटूडेट। याद आया, अपटूडेट ससुमा हूँ मैं। मैंने वही बोला ससुमा जो भी आपने बोला। नहीं नहीं, तुमने वही नहीं कहा, तुमने आउटडेटेड कहा। खट्टी बात ससुमा, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं। मैंने वही बोला जो आपने बोला अभी। और तूने वो भी क्या कहा था, बटरफुल? इट्स नॉट बटरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तो मैंने वही बोला ससुमा, आपने सुना गलत सुना ससुमा। चलो इन लोगों की इंग्लिश क्लास शुरू।